रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आप सब पे अपनी खैर बनाए रखे। मैं हूं आपकी शेफ़ रिजवाना और आज हम बना रहे हैं चिकन विंग्स। इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हमने विंग्स ले लिए, ये तकरीबन 15 से 16 विंग्स हैं। दही हमने ले लिया 3 बड़े चम्मच, सिरका ले लिया 2 बड़े चम्मच, टिक्का मसाला ले लिया हमने 1 बड़ा चम्मच, ब्रोस्ट मसाला 2 बड़े चम्मच, ऑरेंज फूड कलर 1 छोटा चम्मच, लीमू 1 अदद, धड़ा मिर्च 1 छोटा चम्मच, मैदा 2 कप, काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, खुश्क धनिया 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, नमक 1 बड़ा चम्मच। आइए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विंग्स की मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। मैरिनेशन के लिए इसमें हम डालेंगे सिरका, साथ ही हम डालेंगे इसमें लीमू, इसको हमने मिक्स कर लिया। दही में फूड कलर डाला, मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, इसको मिक्स कर लिया। नमक, चाट मसाला, सुरख मिर्च, खुश्क धनिया, काली मिर्च, टिक्का मसाला, धड़ा मिर्च, इन सब को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से छान लिया था, आप भी छान लें। इसके साथ ही इसमें ब्रोस्ट मसाला ऐड कर लें। हमने विंग्स ले लिए, इसमें हमने ये सारा मसाला ऐड कर लिया। तमाम मसाले को अच्छे से विंग्स पे लगा लें। मसाला बहुत अच्छे से लगाएं विंग्स पे ताकि हर एक विंग के अंदर मसाला जज्ब हो जाए। को कवर करके 3 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छी सी हो जाए। एक एक विंग को हम लेंगे, इसको मैदे में डिप करेंगे। झाड़ लें इसको थोड़ा सा, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला जो पानी है वो लें, उसमें डिप करें, इसको झाड़ लें। इसको इसमें डिप करें, अच्छे से हाथों से इसको मसल लें। जितना इसको हाथों से अच्छे से मसलेंगे उतने ही इसके अच्छे क्रंच बनेंगे। अब हम एक एक विंग को लेंगे, ऑयल में डालेंगे। सेम प्रोसेस है, इसको मैदे में डिप करें, पानी में डिप करें, इसको झाड़ लें। हाथों से अच्छे से मसल लें। फ्लेम आपने नॉर्मल रखना है, दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे तो ये अंदर से बहुत अच्छे पकेंगे, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसके क्रंचेस कितने अच्छे आ रहे हैं। विंग्स फ्राई हो रहे हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है इनका। चिकन विंग्स तैयार हैं, आप देख सकते हैं कि इस पे कितने अच्छे से क्रम्स आ गए हैं। साथ ही मैंने फ्राइज़ बना लिए। चिकन विंग्स विद फ्राइज़ तैयार हैं, आप भी इनको घर में बनाएं। मुझे कमेंट करें कि ये कैसे बने हैं। मेरी रेसिपी के मुतालिक जो भी बात आपने करनी है प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।